ये तो आप सभी जानते हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और जो लोग इसे पीते हैं उन्हें ये छोड़ देनी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं इसे छोड़ने से शरीर में क्या बदलाव होते हैं? सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। इससे फेफड़े समेत शरीर के कई हिस्सों में बुरा असर पड़ता है, ये तो आप सभी जानते होंगे। और जो लोग सिगरेट पीते हैं उन्हें सलाह भी दी जाती है कि वो धूम्रपान को छोड़ दें तो अच्छा रहेगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, जब आप लंबे समय से सिगरेट पीते हैं और एकदम से सिगरेट का नशा छोड़ते हैं तो इससे आपके शरीर पर काफ़ी असर पड़ता है। हाँ, जब कोई व्यक्ति सिगरेट छोड़ता है तो उसके शरीर में काफ़ी बदलाव होते हैं। ऐसे में जानते हैं कि सिगरेट छोड़ने में शरीर में क्या बदलाव होते हैं और किस तरह से धीरे धीरे आपका शरीर बीमारियों से अपने आप दूर हो जाता है। जानते हैं सिगरेट छोड़ने के बाद होने वाले बदलावों के बारे में, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब आखिरी सिगरेट पिए 8 घंटे हो जाते हैं तो खून में निकोटीन और कार्बन मोनोक्साइड की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन आधी तो रहती है। बता दें कि कार्बन मोनोक्साइड एक रसायन है जो खून से ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। इस वजह से सिगरेट पीने वाले लोगों को मांसपेशियों और मस्तिष्क से जुड़ी दिक्कत भी रहती है। वहीं 8 घंटे बाद आपको सिगरेट पीने का काफी मन होगा और एक वक्त 5-10 मिनट तक बहुत ही ज्यादा इच्छा होगी। इसके लिए च्युइंगम आदि का सहारा लिया जा सकता है। जब आपको 12 घंटे हो जाए तो शरीर में कार्बन मोनोक्साइड स्तर वापस सामान्य होने लग जाता है। इससे सबसे अच्छा आराम आपके हार्ट को मिलता है, क्योंकि फिर हार्ट को ऑक्सीजन के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती। धीरे धीरे सामान्य लोगों की कैटेगरी में आने लग जाते हैं। 2 दिन के बाद आपके स्मेल लेंस के सेंस अच्छे होने लग जाएंगे। आपके स्वाद और गंध की इंद्रियां तेज हो जाती है क्योंकि आपके तंत्रिका तंत्र ठीक होने लगते हैं। दूसरी ओर आपके शरीर में सफाई का काम शुरू हो जाता है, जैसे फेफड़े में बलगम आदि बाहर आने लगते हैं और कई तरह की गंदगी बाहर आ जाती है। वहीं निकोटीन भी खत्म हो जाता है। हालांकि इस दौरान बेचैनी, चक्कर आना, भूख या थका हुआ महसूस करना काफी आम हो जाता है। कई लोगों के सिर में बहुत तेजी से दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाती है। जब 2 सप्ताह से 3 महीने हो जाएं, जब आपके फेफड़े और मजबूत हो जाएंगे और साफ हो जाएंगे, आपका रक्त प्रवाह में सुधार हो जाएगा और आप आसानी से एक्सरसाइज कर पाएंगे। जब 3 महीने से 9 महीने हो जाएं, इस वक्त आप आसानी से सांस लेने लग जाते हैं। इससे आपको सर्दी और अन्य बीमारियां कम होने लग जाती हैं, आपकी एनर्जी में बढ़ोतरी होने लगती है। जब आपको सिगरेट पिए हुए 1 साल हो जाए तो इस वक्त समझ लीजिए आपकी हार्ट संबंधी रोग होने का खतरा आधे से कम हो गया है। मतलब कुल मिलाकर आप सिगरेट को छोड़ देते हैं तो एक नए शरीर में ढल जाते हैं। और आपको इस वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहेंगे, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि किसी सिगरेट पीने वाले का भला हो सकता है। कोई सिगरेट पीने वाला इस वीडियो को सुनकर छोड़ सकता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों में, सभी में शेयर करें। और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें।